हेलो फ्रेंड्स, नोमिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे किटकैट चॉकलेट। हम घर पे ही बनाएंगे और सिर्फ दो चीज़ों से बनाएंगे, एक डार्क चॉकलेट और वेपर्स बिस्किट। घर पे बनाएंगे सिर्फ दो चीज़ों से। इसके लिए यहाँ पे मैंने वेपर बिस्किट लिया है, एक ऑरेंज लिया है, एक चॉकलेट फ्लेवर लिया है, डार्क चॉकलेट स्लैब है जिसको मैंने कट कर लिया है। इसको हम डबल बॉइलिंग की मेथड से इसको मेल्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने टेस्टी ट्रीट का चॉकलेट का वेपर बिस्किट लिया था, आपको कौन से ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा, और मोल्डी का डार्क कंपाउंड चॉकलेट है। यहाँ पे जो हमारे वेपर बिस्किट है उसको हमने बीच में से कट कर लिया है, दो पार्ट्स किए हैं, और जो हमारा चॉकलेट है वो भी यहाँ पे मेल्ट हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो चुका है, देखो इस तरह से। अभी हम इसमें डालेंगे हमारे वेपर बिस्किट, इसको हम डिप करेंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा चॉकलेट उसका हम निकाल लेंगे, और यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर लिया है, प्लेट लिया है, प्लेट के ऊपर बटर पेपर लिया है, उसके ऊपर हमारे चॉकलेट जो रखते जाएंगे। पे मैंने जो वेपर्स बिस्किट लिए थे उसको चॉकलेट में डिप किया है और उसको बटर पेपर पे सेट होने के लिए रख दिया है। अब 10 मिनट के बाद हमारे किटकैट चॉकलेट रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा किटकैट चॉकलेट रेडी है, देखो। किटकैट चॉकलेट रेडी है, ये बटर पेपर पर आसानी से निकलता है, देखो आसानी से निकला है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग नो मिस किचन।